अगला आपका प्रश्न है कि आप स्वयं एक संत हैं, उनके लिए 108 कुटिया बनवाई है, क्या आधार रखा है, क्योंकि इनकी संख्या तो काफ़ी है। आपने पूछा कि क्या आधार रखा है, क्योंकि संत तो बहुत हैं और कुटिया आपके पास केवल 108, बिल्कुल ठीक। और एक कुटी में एक संत रहता है, एक संत को हम एक कुटी देते हैं, दो संतों को नहीं, एक कुटी में दो संत नहीं रहेंगे। बल्कि हमारे यहाँ तो ये नियम है 108 कुटियों में कि कोई भी संत किसी की कुटिया में नहीं जाएगा और न ही आपकी कुटिया में कोई दूसरा संत आएगा, कोई ना यात्री जाएगा, यात्री का तो प्रश्न नहीं, संत भी एक दूसरे की कुटिया के अंदर नहीं जाएंगे, भजन करें। तो हम सबसे पहले तो हम यही पूछते हैं कि आपको कुटिया क्यों चाहिए, आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। हम पूछते हैं कि आप पेड़ के नीचे तो रह नहीं रहे होंगे, रोड पे तो आप होंगे नहीं, इतने साल हो गए आपको संत बने, तो आखिर कहीं तो रह रहे होंगे ना, तो कहाँ रह रहे हैं, आपकी कुटिया कहाँ है। फिर वो बताते हैं हम अमुक कुटिया, फिर हम कहते हैं जब आपके पास कुटिया है और आप कुटिया में ही रह रहे हैं, आप 108 कुटियों में क्यों आना चाहते हैं। फिर अपनी समस्या को बताते हैं, भजन में कोई विघ्न है, कुछ जो भी है, संत की अपनी बातें होती हैं। फिर हम देख लेते हैं हाँ बिल्कुल सचमुच में भजन करने चाहते हैं और वहाँ पर इनके अनुकूल नहीं पड़ रहा, फिर कुटिया दे देते हैं। और फिर हमारी कुटिया के कुछ ऐसे नियम हैं जो सचमुच में संत हैं, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम हमने बनाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो उसके नियम बनाए हमने कुटियों में। उन नियमों को सचमुच में वही निर्वाह कर सकता जो सचमुच में संत हो, क्योंकि एक तो यहाँ अकेले रहना पड़ेगा, भले हम मेला है संतों का, लेकिन फिर भी अपनी कुटिया में अकेले रहेंगे, कोई किसी कुटिया में नहीं जाएगा, अकेले रहना इतना आसान नहीं, किसी से बात नहीं करनी, भजन करो। तो जो सच्चे संत तो बड़े प्रसन्न होते हैं, हमने तो पहला ऐसी जगह देखी जहाँ पर कोई विघ्न बाधा है ही नहीं। हम फिर संतों को बताते हैं केवल रहने के लिए कुटिया नहीं है, रहने को तो आप रह ही रहे थे जहाँ भी रह रहे थे, ये रहने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मुख्य बात है। यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया गया जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा माहौल है यहाँ का। प्रतिदिन राधा नाम का 1 घंटा प्रतिदिन कीर्तन होता है, कीर्तन में आओ, प्रतिदिन कोई ना कोई संत यहाँ प्रवचन करते हैं आपस में ही, उस समय गोष्ठी होती है, सब बैठो और सुनो, और कभी भी खाली हाथ नहीं रहोगे, या तो हाथ में माला झोली रहे, या हाथ में हारमोनियम ढोलक रहे कीर्तन करो, या हाथ में माला झोली, या हाथ में किताब रहे, पढ़ो अध्ययन करो, एक श्वास भी हमारा व्यर्थ ना जाए। इसी जन्म में यदि भगवत प्राप्ति करना है तो आपका स्वागत है, यदि कुछ इधर उधर मन है तो कृपया 108 कुटियों में नो एंट्री। हाँ, 1-2 दिन के लिए आओ देखो बालो। और कई बार हमको थोड़ा रहता है कि हैं तो संत लेकिन शायद अनुकूल हमारे ना हो पाए, क्योंकि स्वभाव भी सबका अलग अलग है, कई संतों का ब्राह्मण स्वभाव होता है, कई संतों का क्षत्रिय स्वभाव होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। फिर हम उनको ये कह देते हैं 1 महीने के लिए आप रहिए यहाँ, 1 महीने में यदि आपको अनुकूल लगता है कुटिया और कुटिया को आप अनुकूल लगते हैं, दोनों में एडजस्टमेंट बढ़िया होगा, 1 महीने तक आप ये सदा के लिए रहिए, अभी 1 महीना आप रह के देखिए कुटिया में आप यहाँ के कायदे रूल रेगुलेशन आप निभा पाएंगे कि नहीं। ऐसा भी हम करते हैं कई बार। तो आपने प्रश्न किया कि आप स्वयं एक संत हैं, इसके लिए 108 कुटिया बनाई, क्या आधार रखा है, क्योंकि इनकी संख्या तो काफ़ी है। देखो, बहुत संतों के पास अपनी कुटियां हैं, आश्रम है, सब हैं, लेकिन कुछ विरक्त, विशेष विरक्त किस्म के होते हैं जो किसी से कोई मतलब रखना नहीं चाहते, एकांतिक भजन करना चाहते, ऐसे संत उनके लिए, और वो भी उनके लिए जिनके पास सचमुच में व्यवस्था है नहीं कहीं भी, उनके लिए 108 कुटिया है।